कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला रिविन टैब के बारे में। अपन अध्ययन करेंगे इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं और पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं, उनका वर्किंग क्या होता है। बेसिक अपन डिटेल देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला रिविन टैब है, इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में ये ग्रुप है, फंक्शन लाइब्रेरी जो ग्रुप है पूरा इसके अंदर, और देन सेकंड इसके बाद में डिफाइन नेम्स हैं, इसके बाद में फॉर्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशंस हैं। ये सारे ग्रुप्स हैं और पर्टिकुलर ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फंक्शन लाइब्रेरी होती है वहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लोगों को मैं बता देता हूँ, फंक्शंस के अंदर जो सबसे पहले अपन फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर अपन पढ़ेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में अपन। तो इसमें इंसर्ट फंक्शन के अंदर इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। इंसर्ट के फंक्शन के अंदर अपन जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अपन उस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, लॉग है, कॉस का है, LCM का है, डे का है, एंड का, एरिया का है, वी लुकअप कमांड है, ये जितने भी वॉल्यूम्स हैं और सम, ये इस प्रकार के एवरेज हैं, जितने भी अपने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूलों के बारे में अपन वन बाई वन अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो ये इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो आप देख सकते हो शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन की कमांड होती है। इसके बाद में आप ऑटो सम के ऊपर आप क्लिक करोगे जैसे, तो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देंगे। देन उसके बाद में जैसे ऑटो सम की एक डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड होती है एल्टर प्लस इक्वल, मतलब एल्टर के साथ आप इक्वल का कि दोनों दबाओगे तो देन उसके बाद में आप ऑटो सम वाला फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क करने स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद में रिसेंटली यूज्ड हैं जितने भी यूज किए गए हैं वो इसमें रिसेंटली जो फॉर्मूले यूज किए गए वो इसमें दिखाई देंगे आपको। फाइनेंशियली के अंदर इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ये फाइनेंशियल की टर्म के अंदर ये फार्मूले होते हैं, इनके जितने भी फार्मूले होते हैं ये सारे फार्मूले आप इनके बारे में आप इनको अध्ययन करोगे तो आपको अलग अलग एक्सेल में सीखने को मिलेगा। बाकी एग्जाम के दृष्टि से आपको कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शंस है, फॉर्मूले आपको मैं करवा दूंगा यहाँ पे, चाहे LDC के एग्ज़ाम के अंदर जो बाद में जो टाइपिंग टेस्ट होता है और फिर इनका टेस्ट होता है एक्सेल का और MS ऑफिस का, तो इसके अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और लॉजिक के अंदर जिसने प्रकार के एंड है, फॉल्स हैं, इफ़ है, नॉट है, जितने भी गेट्स के अंदर जो ट्रू एंड फॉल्स वाले जो स्टेटमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें इस प्रकार से ही आपको टेक्स्ट के अंदर भी इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हो। डेट एंड टाइम के अंदर ये फॉर्मूले होते हैं, डेट के, मंथ के, डे के, टाइम के, इस प्रकार से आप ये फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। तो वन बाई वन फॉर्मूले आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊँगा। कुछ जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, कुछ जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अपनी कोई टेबल है यहाँ पर, इसमें आपको मैं लागू करके बता रहा हूँ आपको जो फंक्शन होता है ऑटो सम का। तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करना, देन उसके बाद में आप जो सम के सम करोगे आप, तो सम पे आप क्लिक कर दोगे तो इसका सम आ जाएगा। देन उसके बाद में आप सम, ये इसका यहाँ पे सम आ चुका है, देखना सम का फॉर्मूला इक्वल, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो आप इक्वल लगा के लिखते हो, तो इक्वल सम और फिर G4:G10। इसका मतलब क्या होता है, आपने ये G4 था यहाँ पे, जो ये जी तो कॉलम था और फोर्थ नंबर की रो थी, इसलिए G4 से लेके और देन 10 एरा और जी एरा, मतलब ये 10, तो ये G10, मतलब G4 से लेके आप G10 तक की कॉलम के अंदर जो अकॉर्डिंग टू आप इसमें सेलेक्ट किया है आपने एक साथ, उसका आपको सम प्रोवाइड किया है। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हो ऑटो सम का। अगर आपको शॉर्टकट कमांड का भी यूज कर सकते हो आप, एल्टर प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ऑटो सम की, तो आपको याद रखना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि ये ऑटो सम है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं क्या करूँ कि मुझे इनको क्या करना है अपने को कि इसका एवरेज कितना होता है, तो एवरेज आपको फाइंड करना है। तो ये इसका एवरेज आपको यहाँ पे क्यों ना हो जाएगा 64.85 इसका इस प्रकार से एवरेज निकला है इस टर्म तक, तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में आप क्या करोगे,
देन इसके बाद में आपका सम का हो गया, एवरेज का हो गया, काउंट नंबर, ये नंबर आप देखना चाहते हो कितने नंबर्स हैं, तो इसको इस प्रकार सेलेक्ट करोगे तो इसको नंबर काउंट कर देगा। यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट नंबर कर देगा 7। आप इस काउंट फंक्शन का अगर यूज नहीं करना चाहते हो, बाद में आप देखना चाहते हो तो कितने हैं नंबर, तो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये देखना जो स्टेटस से अपनी बार होती है उसमें देखना है, काउंट 7 है, काउंट सेवन है, सम 44 और एवरेज ये जो जितने आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ये अपने स्टेटस बार पे आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आप देखना है इससे जो आपको मैं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको LDC हो चाहे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट हो, जिस टाइम में टाइपिंग टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट लगता है आपका लास्ट टाइम में, तो उसमें से एक्सेल हो या चाहे वर्ड हो, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछाते हैं कि ऑटो सम फंक्शन किस प्रकार से आप करते हो, किसी मतलब टेबल आपको दे देंगे, उस टेबल में सम करना है, एवरेज करना है, मिनिमम फंक्शन, मिनिमम नंबर्स, मैक्सिमम नंबर, तो इन इसमें से आपको आपने सेलेक्ट किया जो भी डाटा है, इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, तो इसमें मैक्सिमम 80 है तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। देखना ऐसी ऑपरेशन को वापस से आप परफॉर्म करना चाहते हो मिनिमम नंबर पे, तो आपको मिनिमम नंबर कौन सा है इसके अंदर, मिनिमम नंबर यहाँ पे 45 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। देन इसी प्रकार से जो और भी फंक्शंस होते हैं आप पर्टिकुलर उनका यूज कर सकते हो। आपको कुछ फंक्शंस हैं आपको मैं करके बता रहा हूँ, जो अपन कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हो तो इक्वल से स्टार्ट करते हो, इक्वल के बाद में आप जो भी कोई फॉर्मूला या फंक्शंस लिखते हो, जिस प्रकार से आपको नाउ का लिखना है तो नाउ किस प्रकार से वर्क करेगा आपका फंक्शन, तो इस प्रकार से चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दो, चाहिए यहाँ पे ये क्लोज ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा दो। तो नाउ का मतलब क्या होता है, आपको जिस टाइम पर्टिकुलर अपने सिस्टम में जो भी डेट है और जो भी टाइम गिवन होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। मतलब आपको समझ में आया, मतलब आप ये देखना चाहते हो कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लग जाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये फॉर्मूला बार होती है, फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे इक्वल नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आप ऐसा यूज करते हो तो प्रजेंट टाइम आपका टाइम और डेट यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये लो आपको बातें समझ में आई होगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से जो भी कोई आज एक फंक्शंस और यूज करवाता हूँ मैं, जैसे कि टू डे फंक्शन है, यहाँ पे टू डे कोई फंक्शन है इसको आप यूज़ करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, पर्टिकुलर सिर्फ डेट दिखाई देगी, आज की डेट क्या है, तो ये फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ है तो इस पर आप सेलेक्ट करोगे सेल को, देन आपको पता लग जाएगा कि इस पर सेल पर क्लिक करते आपको यहाँ इक्वल टू डे मतलब फंक्शन का काम किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए टू डे फंक्शन क्या कार्य करता है, पर्टिकुलर अपनी सिस्टम की डेट को दिखाई देता है, अपनी डेट को जो वर्तमान जो डेट होती है अपने सिस्टम में जो वर्तमान डेट है उसको शो करता है टू डे फंक्शन, इक्वल टू डे फंक्शन आप उसको शो करता है, टू डे फॉर्मूला होता है, और जो टाइम और डेट को कौन शो करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मतलब इसमें टाइम और डेट को शो करने के लिए तो आप किस फंक्शन या किस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, तो इक्वल नाउ का यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आपको याद रखना है, तो मतलब आप उनको फंक्शन भी बोल सकते हो, एज ए टर्म फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो, फॉर्मूला भी आप उनको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको वर्तमान टाइम और डेट आपके बारे में बताया, इसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, अकाउंट नंबर, इस प्रकार के मैंने जो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। बाकी इस वीडियो में एक फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, जैसे आप ये कोई अपनी टेबल है इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज फाइंड करना चाहते हो, ये आपको ये पी वाला यानी प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रखा है, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, और टाइम का टी यानी समय यहाँ पे इसको दे रखा है। आप किसी भी सिंपल इंटरेस्ट आप निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर देना, इक्वल पी बोले तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, देन इसके बाद मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टी और डिवाइडेड मतलब भाग आपने देंगे 100 का, ये एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, तो इसके प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला अपने को गिवन होगा, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, तो आपको इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है अपन इसमें लागू किस प्रकार से करते हैं, तो देखना इसको आपको लागू करके इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर।
जिसमें आप लागू करोगे, जैसे पी है देन आप मल्टीप्लाई करोगे, वो तो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के बताया था इसके और इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ इस प्रकार का फॉर्मूला था। इसी प्रकार से अपन वर्क करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पी वाले सेल को अपने पी वाले सेल पर क्लिक किया आपने, देन फिर मल्टीप्लाई लगाए, देन आर वाले पे किया, देन अपने मल्टीप्लाई लगाए, देन अपन उसके बाद में टी वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अपन 100 से, तो इस प्रकार से ये 100। अब देखना है इसका ब्याज निकल के आपको आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको निकल के आ जाएगा। मतलब 2000 मूलधन है, 2% रेट की दर से और 2 साल का समय दे रखा है, तो उसका 80 रुपये ब्याज होता है। अब पर्टिकुलर इसका 3000 रुपये का मूलधन है, आपको 3% की दर से और उसका टाइम तीन ईयर है, मतलब 3 साल के लिए आपको ब्याज पूछा गया है। तो इसमें साधारण ब्याज किस प्रकार से, तो आपको पर्टिकुलर सभी में आप फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको जो फॉर्मूला अभी नहीं लगाना है, इसको आप सिलेक्ट करोगे इस सेल को, देन इसमें जिससे यहाँ पे प्लस का आइकन बन जाएगा, तो नीचे की तरफ पकड़ के ड्रैग करोगे, आप खींचोगे नीचे की तरफ पकड़ के, तो इस पर खींचोगे तो पर्टिकुलर जितने भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जितने भी अपने पास टाइम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मतलब इसमें टेबल में आसानी होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। आने वाले वीडियो में आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के अंदर समान होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बात की जाए टाइम की, ठीक है। तो देन इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसे 3000 मूलधन है, अब मैं चाहता हूँ कि इस मूलधन को मैं 2500 करना चाहता हूँ, तो 2500 करते ही या देखने जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर चेंज हो जाता है, ठीक है। 270 की जगह 225 हो गए। इसी प्रकार मैं 4000 की जगह मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 6000 यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो 640 की जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 960 रुपये ब्याज हो गए। तो आपको इस वीडियो में आज कितने फंक्शंस के बारे में आपने सीखा है, पर्टिकुलर सिस्टम की टाइम और डेट के बारे में सीखा है आपने, और देन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो फंक्शंस होते हैं। तो याद रखना कंपटीशन एग्जाम में 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम का जो फॉर्मूला, डेट का जो फॉर्मूला, टाइम और डेट दोनों का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद में आपको जो सम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। इंसर्ट फंक्शन की कमांड शिफ्ट प्लस F3 होती है, आपको ये अलग अलग सीट के बारे में यहाँ से कंपटीशन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो आप सीट है, सीट इंटरेस्ट कर, सीट को आप इंसर्ट करते हो तो कौन सी जो फंक्शन की कमांड, कौन सी मतलब कमांड होती है, तो शिफ्ट प्लस F11 इसकी होती है। देन इसके बाद में जितने भी जो फॉर्मूले हैं, एक आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, ये ज़्यादातर फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे इक्वल ABS, ABS फंक्शन क्या करता है, जो अपना एक प्रकार का, जैसे कि आपने कोई वैल्यू आपको प्लस में दिखानी है, पॉजिटिव वैल्यू ही दिखानी है हमेशा, आपने नेगेटिव वैल्यू ले रखी है और पर्टिकुलर उनको पॉजिटिव दिखाना आपको, जैसे ABS फंक्शन क्या कार्य करता है, जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने कोई माइनस, यहाँ पे मैंने लिया, मैंने -5 लिया वैल्यूज, तो ABS फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को प्लस में दिखाएगा आपको। यहाँ पे ABS फंक्शन क्या कार्य करता है, जो भी आप वैल्यूज आप माइनस में लेते हो, प्लस में लेते हो, तो उनका आंसर प्लस में ही आएगा, ये ABS फंक्शन का वर्किंग होता है। तो देखना मैं इसको करता हूँ, तो 5 तो प्लस आया। देन इसके बाद मैं फिर से ABS अप्लाई करता हूँ, इक्वल ABS फंक्शन में अप्लाई कर, ABS फंक्शन में अप्लाई करता हूँ, देन ये, और ये मैंने वैल्यूज मान ली 5 लिया और ये प्लस 5 लिया मैंने, देन इसका भी आंसर देना सेम ही आएगा 5। तो इस प्रकार से आपको इसमें हो जाता है, देखना ये फंक्शंस मैंने लागू किया, तो ये फंक्शन आप सेल पे क्लिक करके देख सकते हो कौन सा मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। पर्टिकुलर सेल पे आप और पर्टिकुलर जिसमें फंक्शन के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जिस भी टेबल के अंदर जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, तो आप उस सेल पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि उसमें फॉर्मूला बार में इसमें कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रखा है। तो देखना यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई कर रखा था ABS -5 था, तो यहाँ पे क्या था, ABS ओनली 5 था। तो आपको ये वैल्यू को क्या करता है, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे उस प्रकार, वो हमेशा आउटपुट के अंदर आपको दिखाई देगा, प्लस के अंदर ही आपको वैल्यूज दिखाई देगी। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो था, कर सकते थे। देन आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बेसिक ईजी फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपने देखा। अगले जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे थोड़े से एडवांस लेवल के जो फंक्शंस है आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहना। आज के लिए इतना ही,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।